आ जाए, कम टू अ स्टैंडिंग पोजिशन और इनहेल करते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ से ऊपर ले जाएं, इंटरलॉक द फिंगर्स और ऊपर की तरफ अपने शरीर को खींचें, स्ट्रेच अप और आप अपने टोज पे आ सकते हैं, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते रहें, ब्रीदिंग कंटिन्यू करें, स्पाइन सीधी रखें। माउंटेन पोज या ताड़ासन पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेगा। अगर आप पैर पे टोज पे बैलेंस ना कर पाए तो पैर पे आए, बट स्ट्रेच अप, ऊपर स्ट्रेच करें, होल्ड करते हुए ब्रीदिंग करते रहें एंड एक्सेलिंग डाउन। दोनों हाथों को आप कमर पर रख लें नेक रोटेशन के लिए। इनहेल एक्सेल करते हुए नेक को राइट शोल्डर की तरफ ले जाएं, इनहेलिंग बैक, लिफ्ट बैक, एक्सेलिंग राइट, चिन और शोल्डर ब्लेड एक लाइन में है लेकिन अपने कंफर्ट जोन में रहकर करें यथासमर्थ। अगर कोई मूवमेंट भी आपको पेन कॉज करती है तो उसे ना करें, सिर्फ उस टाइम पर डीप ब्रीदिंग करें। लास्ट वन, अपना अवेयरनेस, अपना ध्यान अपनी नेक मसल्स के ऊपर, जो भी मसल हमारी स्ट्रेच हो रही है उसके ऊपर अपना अवेयरनेस को रखेंगे। अप एंड डाउन मूवमेंट, एक्सेलिंग चिन टू चेस्ट, इनहेल करते हुए बैक। जितना आपका कंफर्ट से पीछे जाता है उतना ही पीछे नेक को ले जाएं। अब यहां से एक बार और एक्सेलिंग चिन टू चेस्ट, नेक रोटेशन करेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए वापस। अब उसी को हम उल्टी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में राउंड पूरा करेंगे। सो इनहेलिंग टुवर्ड्स राइट शोल्डर, अब यहां पर रोक कर आप एक्सेल करते हुए लेफ्ट शोल्डर से नीचे आएंगे एंड ऑपोजिट। एक राउंड और करें। वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर नेक मसल्स। पूरा दिन हम फोन यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, वी हंच फॉरवर्ड। अब शोल्डर्स के ऊपर आ जाएं, दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स पर रखकर इनहेलिंग एक्सेल करते हुए नीचे। फुल रेंज ऑफ मोशन, आपकी एल्बोज यहां ज्वाइन करेंगी और पीछे। अब हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भी तीन बार करें। With a gentle smile on your face, दोनों हाथों को इनहेल करते हुए सामने ले आएं, दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर रहेगा। एक्सेलिंग वी मूव जेंटली टुवर्ड्स द राइट शोल्डर, आपका लेफ्ट हैंड जो है राइट शोल्डर को टच कर सकता है। वापस न्यूट्रल कटी चक्रासन, हम अपनी बैक और अपनी एब्डोमिनल मसल्स को भी वार्म अप कर रहे हैं। मूवमेंट बहुत जेंटल रखें, जब भी आप ट्विस्ट शुरू करें धीरे धीरे से एब्डोमेन से स्टार्ट करें, चेस्ट फिर शोल्डर और फाइनली द नेक। लास्ट वन, गिव इट योर 100% कोशिश करें थोड़ा सा ज्यादा ट्विस्ट टर्न करने की लेकिन अपने कंफर्ट जोन में रहकर यथासमर्थ इच्छा समर्थ। अब नीज के लिए हम दोनों हाथों को आगे ले जाएं एंड चेयर पोज। तो इसमें ध्यान रखें कि आपके नीज आपके टोज से आगे ना जाए, डोंट हिट जाएगा एंड वी होल्ड 10, 9, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। फॉरवर्ड बेंड करेंगे, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और ऊपर की तरफ खींचें, फिर धीरे धीरे एक्सेल करते हुए हिप से बेंड करें। फॉरवर्ड बेंड के लिए उत्तानासन, अपना हेड जो है वो नी के पास लाएं। जिन लोगों को बैक पेन है वो 90 डिग्रीज तक रोक सकते हैं एंड ब्रीद। टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। जेंटली लिफ्टिंग द स्पाइन अप, स्पाइन को एक बैक स्ट्रेच देंगे, दोनों हाथ पीछे रखकर अर्ध चक्रासन काउंटर पोज फॉर फॉरवर्ड बेंड। बैक साइडवेज टर्न करेंगे स्पाइन को, राइट फुट को 90 डिग्रीज पर ले आए, इनहेलिंग
दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और एक्सहेल करते हुए हम राइट की तरफ झुक जाएंगे। लैटरल स्ट्रेच फॉर द स्पाइन, त्रिकोणासन। अगर आपका हाथ फ्लोर पे नहीं लग रहा तो अपने एंकल या जहां भर भी आप कंफर्ट में होल्ड कर सकते हैं उसे पकड़कर ब्रीथ करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड बैक। लेफ्ट फुट को 90 डिग्रीज पर ले आएंगे, एक्सेलिंग। टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन। बैठ कर दोनों पैरों को ग्रोइन मिलाकर बटरफ्लाई, फ्लैप योर विंग्स, स्पाइन सीधी रखें, पेल्विक में बहुत अच्छा स्ट्रेच है एंड कीप ब्रीदिंग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 को पीछे रखेंगे। इनहेल और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे से अपनी नेक पीछे ले जाएं, पेल्विक को आगे ले जाएं, चेस्ट को एक्सपैंड करें। चेस्ट एक्सपैंडेड है, ब्रीदिंग करते रहें, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है अर्ध उस्त्रासन। हर्निया वाले ये लोग ना ये आसन ना करें, जिन लोगों को हर्निया है वो ये आसन ना करें। 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1 बैक पे जो दोनों नीज को थोड़ा सेपरेट करेंगे और हाफ स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। स्पाइन को हम राइट लेग को सीधा रखेंगे, लेफ्ट नी को फोल्ड करके राइट हैंड लेफ्ट हैंड पीछे रहेगा। टेक द लेफ्ट आर्म बिहाइंड और राइट हैंड से अपना लेफ्ट एंकल पकड़कर हम धीरे धीरे से लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करेंगे, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। जब आप पोजीशन में आ जाएं तो ब्रीदिंग करें और हर ब्रेथ के साथ कोशिश करें थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ और ट्विस्ट कर स्विफ्ट आप थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ और ट्विस्ट कर पाएं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन में रहकर यथा समर्थ इच्छा समर्थ। 5, 4, 3, 2, 1 वापस। अब हम दूसरी तरफ करेंगे, लेफ्ट लेग सीधा, बेंड द राइट नी, राइट हाथ पीछे रहेगा और इस बार हम धीरे धीरे से राइट शोल्डर की तरफ ट्विस्ट करेंगे स्पाइन को। 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। प्रोन पोजीशन में भुजंगासन के लिए रेडी रहें, एब्डोमेन के ऊपर आ जाएं, पैर दोनों इकट्ठे कर लें, फोरहेड ऑन द ग्राउंड और धीरे धीरे से इनहेल करते हुए हेड अप, चेस्ट अप, नाभि तक उठे, भुजंगासन ऊपर की तरफ देखें। इसमें ध्यान रखें हमारी चेस्ट एक्सपेंडेड रहे, अगर आप इस तरह करेंगे तो हमारी चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, हार्ट और लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। चेस्ट एक्सपेंडेड रहेगी तो शोल्डर्स जो हैं आपके कानों से दूर रहे, एल्बोज बॉडी के पास रहे एंड ब्रीथ। टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एंड रिलैक्स। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे से नीचे, यहां से हम फॉरवर्ड बेंड करें, अपने हाथों को यहां रख सकते हैं, अपना हेड उसके ऊपर रेस्ट करें और अपनी बैक को रिलैक्स करें। सबसे पहले सेतु बंध आसन करेंगे, ब्रिज पोज। इनहेल, एब्डोमेन को धीरे धीरे से ऊपर ले जाएं,
पैरों को यूज करें, नीचे की तरफ पुश करें ताकि पेल्विस ऊपर आए. एंड वन, ओम टू, ओम थ्री, ओम फोर, ओम फाइव, ओम सिक्स, ओम सेवन, ओम एट, ओम नाइन, ओम टेन एंड बैक. इसका काउंट पोज करेंगे पवन मुक्त आसन. इनहेल एक्सहेल दोनों नीज को बेंड करें, नेक को भी ऊपर उठा लें. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. कुछ टाइम तक शवासन में रिलैक्स करें. दोनों लेग्स को 45 डिग्रीज तक, आर्म्स भी फेसिंग अप.